लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाखों प्रॉपर्टी सील करी थी, उसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला, लेकिन लाखों लोग बर्बाद हो गए। वैसा इस बार भी होने वाला है कि सीलिंग का परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली तबाह जरूर हो जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट के कारनामे के वजह से। मैं पुलिस कमिश्नर से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर राजेश खुराना एंड ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर अजय चौधरी से कहूंगा कि जो हमारा बड़ा काफिला है अंबेडकर भवन से चलकर के कनॉट प्लेस के रास्ते से आ रहा है, उसे न रोके। आज सुबह ही दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मेरे घर पर गए, हमने कहा कि आप क्यों कष्ट किए, कहा आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रैली नहीं निकाल रहे, 3:30 बजे हम लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट का घेराव यहां से करने चलेंगे। घेराव के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी होगी, आप चिंता मत करना। डॉक्टर अधिकार संघर्ष करो, डॉक्टर अधिकार संघर्ष करो, सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी होगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की मेरिट तय करता है। जब किसी एडवोकेट को जज बनाना होता है, उस एडवोकेट को जब चीफ जस्टिस सेलेक्ट करता है या नाम की सिफारिश करता है, मैं आप लोगों से जानना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि उस एडवोकेट का कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना कोई रिटन परीक्षा होती है, और ना उसके द्वारा लड़े गए मुकदमे की कोई गुणवत्ता की जांच होती है, वो जज बना दिया जाता है, जबकि चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। सेम सेम, जब चपरासी बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है तो जज बनने के लिए कोई मेरिट नहीं होनी चाहिए क्या? मेरिट होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि मेरिट के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की भर्ती हो शुरू हो, वरना इस तरह की भर्ती को हम नहीं मानेंगे। यही कारण है 150-200 परिवारों के बीच पूरी न्यायपालिका सिमट गई है। गुरु चेले का संबंध, जाति का संबंध और भाई भतीजे बाप के आधार पर जजेज बन रहे हैं आज 25-30 साल से, और केवल 200 घर हैं उसी के बीच पे पूरी न्यायपालिका सिमट गई है। ये बपौती बन गई है, ये माँ बाप की इनकी बपौती संपत्ति हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। आज कॉमन आदमी, यहाँ तक कि एक अधिकारी स्तर का आदमी, एक किसान भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्याय लेने पहुंच नहीं सकता, चूंकि वकीलों की फीस करोड़ों और लाखों में है, और ये करोड़ और लाख एक कॉमन आदमी, एक आम नागरिक भारत का दे नहीं सकता। ये कोई न्याय की जगह रह गई है? ये कोई न्याय की जगह नहीं रह गई है? ये सब की मेरिट तय कर रहे हैं, इनकी खुद की मेरिट नहीं है, योग्यता से इनकी खुद की रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक बड़े नेता का बयान आया,
जिम्मेदार का ये न्यायपालिका अपना दायरा खुद तय करे कि उसके क्या अधिकार हैं। अगर न्यायपालिका यह तय कर दे कि सुप्रीम कोर्ट हाई पार्लियामेंट भी उसके अंदर में है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भी उसके अंदर में है, तो क्या हम मान लेंगे? ये हालत हो गई है। लाखों संपत्तियां सील करी जा रही हैं और अधिकारी सीलिंग के नाम पर सील करके खोलने के लिए पैसा ले रहे हैं या न सील करने के लिए पैसा ले रहे हैं। एक खुल्लम खुल्ला अत्याचार और भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर में हो रहा, एक खुल्लम खुल्ला हो रहा। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया, फिर संसद से बिल पास करके उसे दुरुस्त किया गया। यही ऐसा ही एक आरक्षण विरोधी गरीब विरोधी कार्य और भी किया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में जो आरक्षण यूनिवर्सिटी के स्तर पर होता था विभाग स्तर पर करके आरक्षण खत्म करने का काम इस न्यायपालिका ने किया है। ये न्यायपालिका जातिवादी है, ये भेदभाव करने वाली है, इसलिए हम इसमें आरक्षण की मांग करते हैं। आज पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी आए हैं। आई बी स्पीकिंग इंग्लिश आल्सो बिकॉज लॉट्स मेनी लॉट ऑफ डेलीगेट्स हैव कम फ्रॉम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड इवन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर त्रिपुरा। दे हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द हिंदी। फॉर देम आई एम जस्ट कन्वेइंग इन द ब्रीफ that today we are assembled here to harass Supreme Court. Why? Because Supreme Court is acting like a government and monitoring committee as one of the departments of the government. And we demand that monitoring committee should be scrapped immediately and sealing process should be halted immediately in Delhi. And lot of lots of premises are going to be sealed, are being sealed, and officers are engaged in extracting the money, legal, illegal, polluting, non-polluting units, without blanket, there is a blanket sealing of the properties, which we will not tolerate. And in addition, that the judges themselves are not coming through the merit. What are the criteria of an advocate to become a judge? A Supreme Court, a Chief Justice of High Court picks up the name of an advocate and recommends his name for judgeship. Is that advocate gives any interview or he passes any written examination? Are his cases done? Are evaluated that what quality of cases he has done? Those who do not come themselves through merit, they are determining the merit of entire country, entire department. They are running the administration, which we will not tolerate. See, in the constitution, there is a fine balance. There is a defined boundary of executive, legislature, and judiciary. But judiciary has transgressed its power, has encroached the power of executive and legislature, and that's why it has assumed the shape and structure of the government in many times are running the administration. And we demand that original position in the constitution as enshrined should be restored back, and therefore so judiciary should roll back itself to the interpretation of the law, implementation of the law, not to make the law, not to run the administration, not to conduct investigation like an investigating agency. This is the court which diluted prevention of atrocities on 20th March 2018, and the government
rectify or restore that act, that propension.